आज मैं यहाँ बुलंदशहर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 25 जनवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी और यहाँ के मान्य जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासन के साथ इस बैठक के सिलसिले में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रदेश के डीजीपी ने भी प्रभारी मंत्री के साथ में इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया था। क्योंकि 22 जनवरी के कार्यक्रम की दृष्टि से अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और रामोत्सव के कार्यक्रम की दृष्टि से वहाँ तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं, उसी में से समय निकाल करके आज मुझे यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि संगठन, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, प्रशासन ने मिलकर के 25 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होगा बुलंदशहर और मेरठ कमिश्नरी के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। प्रधानमंत्री जी के जो कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम जनवरी और फरवरी के हैं, उनमें उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होने जा रही है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर बना हुआ नया मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण का कार्यक्रम भी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन का लोकार्पण का भी है, अलीगढ़ से कन्नौज के बीच का एक 4 लेन हाईवे के लोकार्पण का भी है। और इस कमिश्नरी के अन्य बड़े प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हैं। सभी का हज़ारों करोड़ रुपये की उन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न होगा। और शाही कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसीलिए आज मैं यहाँ पर इसकी व्यवस्था देखने के लिए आया था। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 22 के कार्यक्रम के उत्साह के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के 25 के कार्यक्रम के लिए भी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ और पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। धन्यवाद जी।